सो गाइस आज कैमरा टेस्ट करते हैं ओप्पो F27 Pro Plus वर्सेस मोटरोला H50 Pro, क्योंकि यहाँ पर प्राइस ना मोटरोला का काफ़ी ड्रॉप हो चुका है। 27, 28 के अंदर आपको देखने को मिलता है ये फ़ोन कार्ड ऑफर इंक्लूड करके। ओप्पो के अंदर आपको मिलता है IP69 एंड मोटो के अंदर आपको मिलता है IP68। यहाँ पर दोनों ही फ़ोन अच्छे निकल के आते हैं। दोनों ही फ़ोन के अंदर आपको मिलता है वीगन लेदर, तो इन हैंड फील्ड दोनों ही फ़ोन का काफ़ी अच्छा, लेकिन कैमरा में थोड़ा डिफरेंस है। मोटरोला के अंदर आपको मिलता है रियर साइड में ट्रिपल कैमरा सेटअप, मेन अल्ट्रा वाइड टेलीफोटो कैमरा, एंड ओप्पो के अंदर आपको मिलता है ओनली डुअल कैमरा सेटअप। और कैमरा के अलावा ना यहाँ पर आपको मिलता है डुअल स्टूडियो स्पीकर, वेयर एज ओप्पो के अंदर आपको मिलता है सिंगल स्पीकर। और ओप्पो F27 Pro Plus के अंदर आपको मिलता है रियर साइड में ओनली डुअल कैमरा सेटअप, मेन कैमरा 64 मेगापिक्सल का एंड 2 मेगापिक्सल के फालतू के सेंसर, 8 मेगापिक्सल की मिलती है आपको सेल्फी। लेट्स सी के जो रिजल्ट है कितना बेटर निकल के आता है। 2x मोड मिलता है आपको पोर्ट्रेट के अंदर में। कैमरा सेटिंग की बात करेंगे यहाँ पर देखो, ओप्पो के अंदर आपको मिलेगा 1x 2x बाय डिफॉल्ट, मोटो के अंदर आपको मिलेगा 1x 2x 3x। वीडियोस की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर ओप्पो F27 Pro Plus जाएगा 4K 30fps तक एंड 1080p 60fps पे ये वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है रियर कैमरा से। एंड मोटोरोला के अंदर यहाँ बात करेंगे तो यहाँ भी आपको वीडियो के अंदर मिल जाएगा 4K 30fps एंड 1080p 60fps का ऑप्शन यहाँ भी आपको देखने को मिल जाता है। तो लेट्स सी के जो पहले फोटोज़ है, जो वीडियोज़ है, वो कितनी बेटर निकल के आती है। एंड मोटोरोला के अंदर आपको मिलेगा एक अलग से सुपर मैक्रो का ऑप्शन विद अल्ट्रावाइड सेंसर जो क्लिक करता है पिक्चर, तो मैक्रो फोटोग्राफी स्लाइटली बेटर होने वाली है मोटोरोला की। एंड पोर्ट्रेट मोड में यहाँ पर देखो ओप्पो के अंदर आपको मिलेगा 1x एंड 2x, वेयर हैज आपको यहाँ पर मोटोरोला के अंदर आपको मिलता है 3x टेलीफोटो कैमरा, और यहाँ पर 1x 2x आपको मिलेगा ओनली ओप्पो के अंदर में, वेयर हैज मोटो के अंदर आप स्विच कर सकते हो 24 50mm 85 तक जाएगा ये, एंड आप अपर्चर वैल्यू भी यहाँ से सेट कर सकते हो। तो मोटोरोला का स्विचेबल पोर्ट्रेट है, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर जो डिस्टेंस है, जो जूम है, सेट कर सकते हो उसको। अब यहाँ पर देखो ये है प्राइमरी कैमरा का सैंपल शॉट, बट मोटोरोला की पिक्चर वेलस्पोज निकल के आई ग्राउंड, एंड यहाँ पर देखो ये वाला जो एरिया है बिल्डिंग का अंडरस्पोज निकल के आ रहे ओप्पो F27 Pro Plus के अंदर में। कलर एक्यूरेसी आपको दोनों ही फोन का बेटर है, एंड यहाँ पर जूम करने के बाद देखो स्लाइटली जो ये वाला एरिया है ना वो आपको बेटर स्पोज निकल के आए मोटोरोला के अंदर में। कलर थोड़ा बूस्ट करता है मोटोरोला, बट पिक्चर यहाँ पर मुझे मोटोरोला की थोड़ी बेटर देखने को लगी एक्सपोजर हैंडलिंग। एंड यहाँ पर देखो प्राइमरी कैमरा का सैंपल शॉट अगेन, तो मोटोरोला कलर को थोड़ा बूस्ट किया है, वेयर एज ओप्पो ने आपको कलर थोड़े से नेचुरल कैप्चर कर लेता है। लेकिन यहाँ पर सब लोगों का चॉइस थोड़ा डिफरेंट होता है, किसी को नेचुरल पसंद है, किसी को बूस्टेड पसंद है, किसी को आई प्लेजेंट कलर पसंद होते हैं। एंड अगेन यहाँ पर देखो कलर थोड़ा ज़्यादा बूस्ट करता है मोटो H50 Pro, वेयर एज ओप्पो का कलर थोड़ा सा यहाँ पर क्लोज टू नेचुरल निकल के आता है, लेकिन आप लोगों का खुद का चॉइस है। कलर एक्यूरेसी जो यहाँ पर मुझे ओप्पो का थोड़ा बेटर देखने को लगा है प्राइमरी कैमरा का। एंड अगेन यहाँ पर मैक्रो शॉट की बात करेंगे, ओप्पो का ये है प्राइमरी कैमरा शॉट, एंड मोटो के अंदर आपको मिलता है एक अलग से सुपर मैक्रो का ऑप्शन, 12 मेगापिक्सल का मिलता है सेंसर जो अल्ट्रा वाइड से क्लिक करता है। तो यहाँ पर मैक्रो शॉट मुझे स्लाइटली यहाँ पर मोटोरोला का थोड़ा बेटर देखने को लगता है, काफ़ी क्लोज जाकर के आप मैक्रो शॉट क्लिक कर सकते हो यहाँ पर। अगर यहाँ पर प्राइमरी कैमरा का सैंपल शॉट देखो तो एक्सपोजर हैंडलिंग जो है वो ओप्पो का थोड़ा बेटर देखने को लगा है, हालांकि फेस को थोड़ा सा वाइटनिंग करता है, लेकिन यहाँ पर पिक्चर अच्छी निकल के आ रही। लेकिन स्काई देखो यहाँ पर मोटो में आपको ओवरस्पोज निकल के आ रहा है, जो फेस यहाँ पर अंडरस्पोज निकल के आ रहा है, तो यहाँ पर बैकग्राउंड ठीक है, लेकिन फोरग्राउंड थोड़ा दिक्कत किया मोटोरोला। एंड अगेन यहाँ पर देखो मोटोरोला ने थोड़ा स्ट्रगल किया एक्सपोजर हैंडलिंग में, तो कभी कभी जो है कंसिस्टेंसी आपको मोटोरोला में थोड़ा सा दिक्कत देता है, आपको कैमरा के अंदर में थोड़े बग्स भी है, हालांकि अपडेट के आने के बाद इसको फिक्स नहीं किया गया। यहाँ पर प्राइमरी कैमरा का सैंपल शॉट ओप्पो का थोड़ा ठीक है। अब ये है 5x कैमरा का जूम, तो 5x में क्वालिटी आपको दोनों फोन की बेटर निकल के आती है, एक्सपोजर हैंडलिंग दोनों फोन का थोड़ा बेटर है, कलर एक्यूरेसी भी। एंड अगर यहाँ पर देखो 10x की बात करेंगे तो 10x में जो डिटेल स्लाइटली यहाँ पर थोड़ा सा मोटोरोला का बेटर निकल के आता है, क्योंकि आपको इसमें मिलता है कल्चर टेलीफोटो कैमरा। तो ओप्पो जाएगा अप टू 10x तक ही, वेयर एज मोटोरोला जाता है आपको 30x तक, लेकिन 10x पे जो है क्वालिटी यहाँ पर स्लाइटली मोटो का थोड़ा बेटर है। तो ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ दोनों फोन के रियर कैमरा से 1080p 60fps पे, तो जो एक्सपोजर हैंडलिंग है मोटो का थोड़ा बेटर है। यहाँ पर देखो ओप्पो की पिक्चर जो है अंडरस्पोज निकल के आ रही, वीडियोस क्वालिटी खास कर नोटिस करोगे आप, तो डार्क वाला जो एरिया है स्लाइटली बेटर स्पोज निकल के आता है मोटोरोला के अंदर में। एंड कलर को रेसी आपको थोड़ा बेटर देखने को लग रहा है, वेयर एज यहाँ पर देखो 2x मोड आप स्विच कर सकते हो दोनों ही फोन में, तो यहाँ पर देखो 2x पे जो स्लाइटली एक्सपोजर हैंडलिंग है यहाँ पर मोटो का थोड़ा बेटर देखने को लग रहा है। तो यहाँ पर जो है जूम क्वालिटी देखा जाए तो मोटो का थोड़ा सा मुझे बेटर देखने को लगा है, एंड जूम के करने के बाद जो आपको डार्क वाला एरिया है वो थोड़ी सी बेटर एक्सपोज होती है। अब यहाँ पर देखो रेन थोड़ा स्टार्ट हो चुका है, तो यहाँ पर जो ग्राउंड देखोगे आप अच्छे से कलर एक्यूरेसी बेटर मेंटेन कर लेता है। एंड एक बार यहाँ से मैं चेक करता हूँ ऑटो फोकस, तो अब यहाँ पर देखो जो कलर एक्यूरेसी है, जो एक्चुअल जो ग्रीन टोन है, यहाँ पर थोड़ा सा मुझे ओप्पो का बेटर देखने को लग रहा है। एंड मोटोरोला में आपको वाइट बैलेंस थोड़े से नेचुरल नहीं आते। अब यहाँ पर देखो एक्चुअल जो कलर है प्लांट का वो आपको ओप्पो ने थोड़ा सा क्लोज टू नेचुरल पिक्चर क्लिक करता है, लेकिन कॉन्ट्रास्ट आपको थोड़ा सा ओवर देखने को लगता है ओप्पो के अंदर में। एंड ऐसा कुछ तो फोकस हंटिंग इशूज़ नहीं दोनों फ़ोन के अंदर में, लेकिन मोटो में थोड़ा थोड़ा कभी कभी फ्रेम स्किप करता है, थोड़ा सा इशूज़ है बग से थोड़ा कैमरा के अंदर में।
लेकिन क्वालिटी जो है स्लाइटली यहाँ पर मोटोरोला की मुझे थोड़ी बेटर देखने को लगी है। एंड यहाँ पर देखो अगेन जो डार्क वाला एरिया है थोड़ा सा बेटर सपोज रखता है और कॉन्ट्रास्ट आपको थोड़ा ओवर देखने को लगा है ओप्पो के अंदर में। अब यहाँ से मैं एक बार चेक करता हूँ स्टेबिलाइजेशन किसका ज़्यादा अच्छा देखने को मिलता है, क्योंकि 60 FPS पे दोनों फ़ोन का मैंने स्विच कर दिया है। एंड अब यहाँ से मैं एक बार भाग के चेक करता हूँ स्टेबिलाइजेशन, तो यहाँ पर देखो स्लाइटली जो स्टेबिलाइजेशन है मुझे मोटोरोला का थोड़ा बेटर देखने को लगा है। ओप्पो में कोई भी स्टेबिलाइजेशन वर्क नहीं करता है आपको रियर कैमरा में 60 FPS पे, तो स्लाइटली यहाँ पर वीडियो क्वालिटी स्टेबिलाइजेशन मोटोरोला का थोड़ा मुझे बेटर देखने को लगा है। अकॉर्डिंग टू प्राइस कंडीशन काफ़ी अच्छे निकल के आते हैं। तो ये है प्राइमरी कैमरा का पोर्ट्रेट शॉट 1x मोड पे, तो यहाँ पर जो है ओप्पो की पिक्चर थोड़ी वेल एक्सपोज निकल के आ रही, मोटोरोला में आपको थोड़े से कॉन्ट्रास्ट ओवर देखने को लग रहा है जिसके साथ आपको पिक्चर जो है थोड़ी अंडर एक्सपोज निकल के आती है, खासकर फोरग्राउंड हो। एंड जो स्किन टोन है थोड़ा सा आपको बूस्ट करता है ओप्पो। अब यहाँ पर देखो ये है 2x पोर्ट्रेट मोड, हालांकि मोटो से मैंने क्लिक किया 2x मोड पे, वेरज मोटो जा सकता है आपको 3x पे, तो स्लाइटली यहाँ पर स्क्रीन टोन आपको दोनों फोन का थोड़ा बेटर है। मोटोरोला में यहाँ पर थोड़े से क्लोज टू नेचुरल है, कॉन्ट्रास्ट आपको थोड़ा सा हाई देखने को लग रहा है, लेकिन ये वाला एरिया ब्लर नहीं हुआ मोटो के अंदर में। अब यहाँ पर देखो ये है 2x मोड एंड 3x मोड मोटोरोला का, तो स्लाइटली यहाँ पर जो है थोड़ा स्क्रीन टोन नेचुरल कैप्चर कर लेता है मोटो H50 प्रो, वेरज थोड़ा सा मुझे व्हाइटनिंग देखने को लगा ओप्पो के अंदर में, फेस को थोड़ा सा ओवर व्हाइटनिंग करता है, लेकिन यहाँ पर पोर्ट्रेट शॉट आपको दोनों फोन की अच्छी निकल के आती है 2x मोड पे। अब यहाँ पर देखो जूम करने के बाद जो डिटेल से स्लाइड थी मोटोरोला की थोड़ी बेटर निकल के आती है, कॉन्ट्रास्ट आपको थोड़ा देखने को लग रहा है मोटोरोला के अंदर में, थोड़ी सी रेड टोन में नोटिस किया, लेकिन पिक्चर अच्छी निकल के आती है। अब यहाँ पर देखो जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसके ऊपर में अच्छे से कलर कॉन्ट्रास्ट डिटेल स्लाइटली बेटर मेंटेन कर लेता है मोटोरोला, क्योंकि आपको इसमें बोलते हैं टेलीफोटो कैमरा 3x ऑप्टिकल जूम पे 10 मेगापिक्सल का। अब यहाँ पर देखो ये है दोनों ही फोन का 2x एंड 3x, तो यहाँ पर स्लाइटली अगेन जो है मोटोरोला थोड़ा सा बेटर कैप्चर किया स्क्रीन टोन वगैरह एंड डिटेल्स डेप्थ ऑफ फील्ड ए डायरेक्शन थोड़ी बेटर कैप्चर कर लेता है मोटोरोला, तो पोर्ट्रेट शॉट यहाँ पर मोटोरोला का थोड़ा मुझे बेटर देखने को लगा है। तो ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है इसी फोन के फ्रंट कैमरा से। एंड यहाँ पर मोटोरोला के अंदर आपको मिलेगा 4K 30 FPS एंड आपको ओप्पो के अंदर आपको मिलेगा ओनली 1080p 30 FPS, 60 FPS का ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पर मैंने रिकॉर्ड कर रहा है 30 FPS पे ताकि जो कंपैरिजन है वो बैलेंस रहे। तो स्लाइटली स्क्रीन टोन एंड एक्सपोजर यहाँ पर मोटोरोला का थोड़ा सा बेटर मेंटेन कर लेता है यहाँ पर देखो, एंड फेस पर जो डिटेल्स वगैरह है एंड कॉन्ट्रास्ट आपको थोड़े ओवर देखने को लग रहे हैं ओप्पो के अंदर में, जिसके से आपको जो मेरा पिंक है जो मेरा फेस है आपको नेचुरल देखने को बिल्कुल भी नहीं लग रहा, थोड़े से आपको रेड देखने को लग रहे हैं। एंड यहाँ पर जो डिटेल्स है फेस पे ना वो स्लाइटली मोटो की थोड़ी सी बेटर मेंटेन मुझे लग रही है देखो यहाँ पर, एंड अगेन अपोजिट राइट में यहाँ पर थोड़ी सी बारिश हो रही है, तो जो आपको डिटेल्स है जो फेस पे है देखो यहाँ पर किस रेन है, थोड़ा क्लाउडी वेदर है, तो यहाँ पर जो है वीडियो क्वालिटी जो है फ्रंट कैमरा की यहाँ पर मुझे मोटो की थोड़ी बेटर देखने को लगी है। और एक बार यहाँ से मैं भाग के चेक करता हूँ स्टेबिलाइजेशन, अब यहाँ पर सेल्फी देखो क्लाउडी वेदर था तो स्लाइटली जो स्क्रीन टोन है मोटो का थोड़ा सा बेटर कैप्चर कर लेता है। एंड यहाँ पर देखो जो डिटेल्स स्लाइटली बेटर निकल के आते हैं, कलर कॉन्ट्रास्ट आपको थोड़े से ब्लैक थोड़े से रेड देखने को लगते हैं ओप्पो के अंदर में, नेचुरल बिल्कुल भी नहीं आते यहाँ पर सेल्फी। अब यहाँ पर देखो ये वाले टोन में अगेन सेल्फी जो यहाँ पर मोटोरोला की थोड़ी बेटर है, जो मेरा बीएड है जो मेरे हेयर है आपको और ब्लैक देखने को लग रहे होंगे ओप्पो के अंदर में, एंड कलर को थोड़े से ओवर कॉन्ट्रास्ट से भी क्लिक करता है, कलर आपको नेचुरल देखने को नहीं देता चाहे वो बैकग्राउंड हो चाहे वो फोरग्राउंड हो। जूम करने के बाद देखो यहाँ पर जो डिटेल स्लाइटली बेटर मेंटेन्ड है मोटोरोला के अंदर में, एंड ये वाला देखो एरिया जो है डार्क सर्किल स्लाइटली बेटर स्पोज निकल के आते हैं मोटोरोला के अंदर में, तो एक्सपोजर हैंडलिंग थोड़ा बेटर है मोटोरोला का यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो ये वाले एरिया में ना जो मेरा बीएड है आपको ओवर ब्लैक देखने को लग रहा है ओप्पो के अंदर में, कलर कॉन्ट्रास्ट आपको बिल्कुल नेचुरल नहीं है, तो यहाँ पर स्लाइटली मुझे बेटर देखने को लगा है मोटोरोला। अब ये वाले पोर्ट्रेट सेल्फी में अगेन यहाँ पर मोटोरोला का स्क्रीन टोन थोड़ा सा बेटर कैप्चर कर लेता है, एंड जो कलर एक्यूरेसी है मुझे यहाँ पर थोड़ा सा क्लोज टू नेचुरल देखने को लगा, ये वाला एरिया थोड़ा सा दिक्कत दिया आपको दोनों ही फोन में, हालांकि यहाँ पर थोड़ा सा ओप्पो का बेटर देखने को लगा एयर रिडक्शन। अब यहाँ पर देखो अगेन स्लाइटली जो ये वाले एरिया में ना अगेन थोड़ा सा स्ट्रगल किया है मोटोरोला, थोड़ा सा नॉइज़ है ये वाले एरिया में, लेकिन सेल्फी जो है मुझे यहाँ पर मोटोरोला का ही थोड़ा बेटर देखने को लगा, ओप्पो की सेल्फी बिल्कुल भी नेचुरल नहीं आती है, 8 मेगापिक्सल का मिलता है आपको सेल्फी। अब जूम करने के बाद जो डिटेल्स है मोटो के अंदर बेटर मेंटेन्ड है, 8 मेगापिक्सल का सेल्फी मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा इस प्रेजेंस के अंदर में, कम से कम 16 मेगापिक्सल का होना चाहिए था, क्योंकि सेल्फी आपको बिल्कुल भी बेकार निकल के आती, सेल्फी अच्छी होनी चाहिए था क्योंकि मिड रेंज फोन में सेल्फी अच्छी आनी चाहिए था। अब यहाँ पर देखो नाइट मोड अनेबल करने के बाद जो स्लाइटली जो नॉइज़ निकल के आता है देखो यहाँ पर आपको ओप्पो के अंदर में, तो स्लाइटली यहाँ पर मोटोरोला का नाइट मोड थोड़ा बेटर है, चाहे वो डिटेल्स हो चाहे वो कलर कॉन्ट्रास्ट हो नॉइज़ का रिडक्शन हो बेटर कर लेता है मोटोरोला। अब यहाँ पर देखो दोनों फोन में नाइट मोड तो अनेबल है, लेकिन एक्सपोजर हैंडलिंग तो आपको यहाँ पर दोनों फोन का बेटर देखने को लग रहा है, कलर कॉन्ट्रास्ट आपको मोटोरोला का थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट आपको ओवर देखने को लग रहा होगा,
एक्सपोजर हैंडलिंग यहाँ पर ओप्पो का भी बेटर है, लेकिन जूम करने के बाद देखो जो डिटेल्स है ना ये वाले एरिया में बेटर कैप्चर किया है मोटो H50 प्रो। एंड यहाँ पर देखो लाइट कंट्रोल हो एंड ये वाला एरिया का जो आपको एक्सपोजर हैंडलिंग हो थोड़ा बेटर कर लेता है। तो नाइट मोड रियर कैमरा का मुझे यहाँ पर मोटोरोला का बेटर देखने को लगा। अब यह है पोर्ट्रेट शॉट टेलीफोटो कैमरा का लो लाइट में, तो यहाँ पर डेप्थ ऑफ फील्ड दोनों फोन की अच्छी है, लेकिन जो DGS लो लाइट में है ना वो मोटोरोला थोड़ा बेटर कैप्चर करता है, स्किन टोन भी थोड़ा सा क्लोज नेचुरल लगता है। अब यहाँ पर देखो स्ट्रीम लो लाइट में तो स्लाइटली यहाँ पर मोटोरोला आगे निकल के आया, तो ओप्पो तो पूरा बेकार पिक्चर क्लिक करता है ना, आपको एक्सपोजर हैंडलिंग बेटर है ना कलर कॉन्ट्रास्ट बेटर है, तो स्ट्रीम लो लाइट में हो चाहे वो आर्टिफिशियल लाइट में हो मोटोरोला बेटर निकल के आता है। अब देखो फ्रंट कैमरा में स्किन टोन अगेन यहाँ पर मोटो का थोड़ा सा क्लोज टू नेचुरल है, एंड जो कलर कॉन्ट्रास्ट बैकग्राउंड में बेटर निकल के आता है, बैकग्राउंड थोड़ा अंडरस्पोज निकल के आते हैं ओप्पो के अंदर में, तो इस प्राइस के अंदर में मुझे लो लाइट बेटर लगा है मोटोरोला का। अब यहाँ पर देखो स्ट्रीम लो लाइट में स्लाइटली यहाँ पर अगेन मोटोरोला थोड़ा बेटर निकल के आता है, चाहे वो स्किन टोन हो चाहे वो बैकग्राउंड के कलर कॉन्ट्रास्ट हो बेटर कैप्चर कर लेता है। हालांकि फ्रंट में आपको नाइट मोड देखने को नहीं मिलता मोटो के अंदर में, जूम करने के बाद देखो डिटेल्स यहाँ पर ये वाले एरिया में स्लाइटली बेटर कैप्चर किया है, तो यहाँ पर लो लाइट जो है पूरा एकदम बेकार है चाहे फ्रंट कैमरा हो चाहे वो रियर कैमरा हो ओप्पो का, तो स्लाइटली 27,000 में मुझे यहाँ पर मोटोरोला बेटर देखने को लगा है। तो अगर अब मैं बात करूँ ओवर स्पेक का, तो यहाँ पर मोटोरोला को मैं पिक करना चाहूँ क्योंकि आपको यहाँ पर अलग से मिलता है एक डुअल स्टूडियो स्पीकर, साथ में टेलीफोटो कैमरा, अच्छी सेल्फी निकल के आती है, लो लाइट बेटर निकल के आता है। इनहैंड फील्ड तो आपको दोनों फोन का अच्छा है, लेकिन आपको मिलिट्री ग्रेड प्रोटेक्शन को सिर्फ ध्यान में नहीं रखना है क्योंकि फोन को यूज़ करने के लिए सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस वो भी अच्छा होना चाहिए, अच्छा कैमरा होना चाहिए, खासकर सेल्फी अच्छा होना चाहिए, सभी मैटर करता है। ओके, तो यहाँ पर मैंने जो शेयर किया वो था मेरा एक ऑनेस्ट रिव्यू, क्योंकि मैं आपको दोनों फोन का कोई भी स्पॉन्सर नहीं करता हूँ। तो आई होप कि मैंने आपको सारे के सारे टॉपिक कवर कर दिए होंगे और मैं पिक करना चाहूँगा यहाँ पर सेलेक्टिव मोटोरोला को। तो थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर।